विनय कटिया जी, स्वागत है आपका। अभी परिचय के दौरान कहा गया कि लाल कृष्ण आडवाणी के एक वक्त आप हनुमान हुआ करते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा इतना बड़ा नाम, सबसे बड़ा सवाल सभी के जहन में होगा, आज की तारीख में इतना हाशिए पे क्यों? नहीं, मैं हाशिए पर नहीं हूँ, लेकिन शांत हूँ और सांसद हूँ, काम करता रहता हूँ, जो बताया जाता है वो काम होता रहता है। शांत क्यों हैं आप? मैं नहीं, शांत भी नहीं हूँ। क्या कहती है आपकी खामोशी? कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन तूफान आने वाला है, चुनाव का समय आ गया है, तो शांत नहीं रहने वाले हैं, निकलेंगे। तो भारत में मौसम विभाग कभी ठीक से चलता नहीं, किस तरह का तूफान है ये? नहीं, ये तो चुनावी तूफान होगा और उसमें उतरा जाएगा, और जब अखंड भारत था तो इसके बाद जो विभाजन की रूपरेखा चली, तो उसके कारण से विचारों का भी टकराहट हुई, और डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो उस पर बहुत विस्तार पूर्वक सब चीज़ें लिखी हैं, उसको मैं बताऊंगा तो फिर। आपने कहा कि आप शांत हैं, तो दो चीज़ें शांत हैं, एक तो आप खुद शांत हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लगता है कि जिस आंदोलन में आपने इतनी सक्रिय भूमिका निभाई वो भी कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया, कहीं कहीं प्राथमिकताएं जो हैं उसकी सूची में फिट नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, क्योंकि तो हाई कोर्ट ने तो उसको कह दिया ये राम की जन्मभूमि है, और ये मान लिया है कि यहां पर पहले विशाल मंदिर का ढांचा था, अब ये हाई कोर्ट ने माना है, लेकिन 60x80 स्क्वायर फीट में 3 हिस्से कर दिए, 2 हिंदुओं के पास हो गए और 1 मुस्लिम पक्ष को भी दे दिया, तो ये तो एक समझौते का रास्ता उन्होंने निकालने की कोशिश की, जो कि नहीं होना चाहिए था। जब आपने मान लिया कि ये हिंदू ढांचा है और यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, विशाल हुआ करता था, तो उसको बांटने का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, अभी आपने कहा कि कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है, हिंदुस्तान में तो कोर्ट के फैसले आते 20, 25, 30 साल भी लग सकते हैं, तो इसी तरीके से भक्त इंतजार करेंगे? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि हाई कोर्ट तक ही निर्णय आने में बहुत साल लग गए, और सुप्रीम कोर्ट में तो अभी हेयरिंग भी नहीं शुरू हुई है, और मुझे नहीं लगता है कि जल्दी कोई निर्णय ये आने वाला है, क्योंकि उसकी जो जजमेंट है और जो प्रोसीडिंग हुई है उसको ट्रांसलेट करने में भी काफ़ी समय लगेगा जब उसकी शुरुआत करेंगे, तो अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, हिंदी से इंग्लिश में सब होना है, फिर इसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी, तो मुझे लगता है कि लंबा वक्त उसमें लगेगा। मेरे पास आपका 3 जून 2015 का एक बयान है जिसमें आपने कहा कि इस मुद्दे को अभी इग्नोर किया गया तो राम भक्तों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट सकता है। ये बात सच है कि इसको इग्नोर बहुत दिन तक नहीं किया जा सकता है, और या तो उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस प्रकार की पहल हो, सरकार की पहल हो, या किसी पक्ष की पहल हो, जिससे हमने पहले भी कहा कि अदालत की बात तो मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार का करैक्टर है मुसलमानों का, उसमें ये चीज़ें फिट नहीं बैठती हैं, ना अदालत की बैठती हैं, ना किसी न्याय व्यवस्था के में बैठती हैं। मतलब कैरेक्टर है मुसलमानों का, और ये उनका पुराना इतिहास है, उनको ये संपूर्ण भारत है, और जब अखंड भारत था तो उस समय भी उनको कोई मजहब के अलावा भाई बंधुत्व, एकता, न्याय, इससे कोई मतलब नहीं रहता था, क्योंकि वो कोई एक इकाई के रूप में मानते भी नहीं है, उनका जो भी एजेंडा रहता है वो कोई विकास का एजेंडा नहीं रहता है, वो पूरी तरह से उनका धर्म का एजेंडा रहता है, और मैं ये मानता हूँ कि जहाँ जहाँ उनकी सत्ता है वहाँ संघर्ष लगातार चलता रहता है, क्योंकि किसी इकाई को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, मान्यताओं को नहीं मानते हैं,
तो इस पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो बहुत विस्तार पूर्वक सब चीजें लिखी हुई नहीं तो क्या होगा. दो चीजें आपने कही. एक आपने कहा कि कोर्ट में 25-30 साल भी लग सकते हैं फैसला आते आते. अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं शुरू हुई, ट्रांसलेशन का काम चल रहा है. तो क्या इंतजार करेंगे इस तरीके से आप 25-30 साल? मैं समझता हूं कि इंतजार की घड़ियां तो समाप्त होंगी जल्दी. जल्दी मतलब कब? कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, कुछ नहीं नहीं अब उसको हफ्तों में महीनों में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगेगा. एक बार नए सिरे से फिर आंदोलन छेड़ना पड़ेगा और जब तक आंदोलन नहीं छेड़ेगा तब तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती. कौन छेड़ेगा आंदोलन? अब देखते चलिए, कोई ना कोई तो छेड़ेगा. नहीं पर आपको नजर आता है किसी की शक्ल दिखती है कि कौन छेड़ सकता? नहीं नहीं शक्ल बहुत है. आज का विनय कटियार कौन? नहीं नहीं वो उसमें बहुत से पैदा हो जाएंगे, कोई कमी नहीं है. सब जगह जगह विद्यमान है, एक हुंकार भरने की जरूरत है और वो काम चालू हो जाएगा. वो भरा जाएगा, उसको देखते रहिए. नाम अभी बताने की जरूरत नहीं, लेकिन समाज अभी पूरी तरह से जागृत है. जिस दिन शुरू होगा उस दिन चालू हो जाएगा. पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं. कहना तो बड़ा आसान है, आप कह के चले गए मन से तो आपकी भी थोड़ी लाज होगी, लेकिन हकीकत में जमीन पे कुछ हो नहीं रहा है. नहीं मेरी लाज का सवाल नहीं है. हम तो हनुमान के भक्त हैं, उनकी कौन लाज रहती थी? तो हम तो बिना लाज वाले आदमी हैं, कोई लोक लाज मानते नहीं. हमारी तो राम, हमारी तो लोक लाज राम भक्ति है, राम जी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं. और उसी में जीना है, उसी में मरना है, वही काम करते रहना है. नहीं पर आप आंदोलन की बात करते हैं, मैं पूछता हूँ कौन. आपने कहा कि मैं सांसद हूँ, शांत हूँ, जो कहा जाता है कर देता हूँ. नहीं बात ठीक है, जो कहा जाता है उसको मैं करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा. अनुशासित एक सिपाही भी हूँ, लेकिन राम जन्मभूमि के लिए फिर से नए सिरे से एक हुंकार भरने की आवश्यकता है, जिसका नए सिरे से एक संगठन फिर खड़ा करना पड़ेगा, जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, फिर उसमें से बलिदान होंगे, ऐसा मुझे लगता है. बिना बलिदान के कुछ होने वाला नहीं है. एक बार राम जन्मभूमि पर आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उसमें रहते हुए बलिदान दिया लोगों ने. उन्होंने कहा, मुलायम सिंह ने उसको जस्टिफाई किया, उन्होंने कहा कि 16 लोग मरे 30 मरते तो भी मुझे कोई परहेज ना होता. नहीं नहीं वो इसलिए नहीं, उनके ऊपर फर्क पड़ता, वो जिन्ना के भक्त हैं. कठिनाई यही है, उनकी पूरी पार्टी जिन्ना के भक्त है, राम की भक्त है नहीं. अगर राम की भक्त होती तो उसमें से कोई लोक लाज रहता तो वो तो कहीं दिखाई नहीं देता. तो जिन्ना के भक्त हैं और जिन्ना के भक्त कुछ भी कर सकते हैं. तो जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, भविष्य में कोई दूरगामी सोच है? आपको लग रहा है कि उस दिशा में आंदोलन की तरफ चीजें बढ़नी शुरू हो गई हैं, कदम लिए जा रहे हैं? अभी अभी शुरू तो नहीं हो गए, लेकिन शुरू होंगे, थोड़ा समय लगेगा. और हम तो आज भी इस पक्ष में हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान हो. और उसके लिए मुसलमान पक्ष के लोगों ने भी कहा था कि अगर अदालत ही कह दे कि यहाँ पर कोई ढांचा राम का था, मंदिर का था, तो हम इसको छोड़ देंगे. हाई कोर्ट ने कह दिया, अब उनको अदालत की बात माननी चाहिए, कोर्ट की बात माननी चाहिए. अदालत ने कोई नए मंदिर बनने की बात नहीं की? नहीं नहीं उन्होंने ये तो मान लिया कि ये जो परिसर है वो पूरा एक ढांचा था, विशाल मंदिर का ढांचा था. तो मंदिर वहाँ और कौन था? राम का ही मंदिर था, जिसको गिराया सम्राट विक्रमादित्य जी ने, उस राम के मंदिर को निर्माण कराया था. तो जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, हुंकार भरने की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2029 में कब होगा ये? उसकी आप तारीख बताना कठिन है, क्योंकि आंदोलन कोई हवा में नहीं चलते हैं, उसके लिए संगठन खड़ा करना पड़ता है, समय लगता है. और हमको लगता है वो होगा. जैसे आपने एक बार बजरंग दल खड़ा किया था, तो एक नया बजरंग दल खड़ा होगा या बजरंग दल ही ये काम करेगा? मैं क्या होगा, कौन से होगा, अभी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सबको साथ लेकर के आंदोलन खड़ा किया जाए. किस किस को साथ मिलेंगे? पूरे समाज को, हिंदू समाज को. उसमें राजनेता भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे. नहीं अभी साध्वी निरंजन ज्योति थी हमारे साथ पिछले सेशन में, वो कहे कि गई अयोध्या के बारे में सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है वो डेवलपमेंट है और कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं आना चाहिए जो कि विकास के रास्ते में रोड़ा बन के चले जाए, ये बोल के गई वो. नहीं नहीं राम के बिना कोई विकास नहीं, इस देश के अंदर कोई महत्व तो नहीं. अगर यही इतना होता तो देश का विभाजन क्यों होता? इस देश का विभाजन क्यों होता? भारत के 3 टुकड़े हो गए,
पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, हिंदुस्तान रह गया। और इसके भी अगर थोड़ी भी सावधानी न बरती गई तो और टुकड़े हो सकते हैं। कैसे? अगर थोड़ी सावधानी न बरती गई तो कहीं न कहीं एजिटेशन का रूप हो जाता है, कहीं न कहीं उपद्रव चलता रहता है, क्योंकि वो लोग शांत बैठते नहीं हैं। उनको तो अपनी दारू रुलूम और दारू हरफ, इसमें अंतर है, उसको समझना चाहिए और उसी के आधार पर ही उनकी सारी कार्रवाई चलती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अपनी हिंदू जो समाज है वो बहुत सहिष्णु है, उदारवादी है, गाय को भी नतमस्तक करता है, नदियों को भी प्रणाम करता रहता है, धरती को भी प्रणाम करता है। आपको निराशा है इस बात की कि 282 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 73 सीटें हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से एक अर्जेंसी दिखाने की जरूरत थी कि कहीं ना कहीं दर्ज किया जाए कि प्राथमिकता है बीजेपी सरकार के लिए, संघ से जुड़ी सरकार के लिए, वो पूरी तरीके से नदारद है? कहे की प्राथमिकता राम मंदिर बनने की? नहीं, राम मंदिर के बनने की प्राथमिकता सरकार नहीं कर सकती है। क्यों? वो सरकार नहीं कर सकती है। सब स्टेक होल्डर्स को बुला के बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता नहीं, है? नहीं, सब स्टेक होल्डर भी नहीं काम कर सकते हैं। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, जब तक उसको नहीं चलाया जाएगा तब तक ये काम पूरा नहीं हो सकता। और इसके लिए सबको, अन्य दलों के अंदर भी लोग हैं जो राम भक्त हैं, इस आंदोलन में भी सारे दलों के लोग जो व्यक्तिगत मदद कर सकते थे उन लोगों ने मदद की है। मुरारजी देसाई का एक पोस्टकार्ड आया था, इंदिरा गांधी की हत्या जब हुई है उसके थोड़े दिन पहले मुरारजी ने शुभकामना दी थी उसके लिए इस आंदोलन के लिए। लगता है कि चुनाव से पहले गुलजारीलाल नंदा ने भी हमारे हिंदू सम्मेलनों में उन्होंने आना स्वीकार किया, वो आए हमारे हिंदू सम्मेलन में। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले तूल पकड़ेगा ये थोड़ा? नहीं, विधानसभा के सामने तूल नहीं पकड़ेगा, मैं इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहता। लेकिन राम का काम, ये लोग सोच लें कि बिना राम के सब चीजें होती रहेंगी तो ये संभव नहीं। हाँ, इस काम को अगर कोई कर सकता है वो मुलायम सिंह जी कर सकते हैं, उनकी पार्टी कर सकती है। मुलायम सिंह जी की पार्टी? हाँ। वो कैसे? वो कर सकती, वो स्वभाव है, जैसे लोगों का उनका संगत है, साथ है, उसमें से दिखाई देता है। उसमें जैसे आजम खान लोग हैं तो वो स्वाभाविक है, होने वाले, वो तो सब जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उनसे विकास से क्या लेना देना है। सत्ता मिलती रहे तो चलते रहेंगे, देश का बंटवारा होता है तो हो, उसके लिए कोई उनको नहीं। पर राम भक्त ये पूछेंगे ना कि हमने लोकसभा में सरकार बना दी, विधानसभा में बन जाए तब भी अगर कोई अर्जेंसी नहीं तो फिर क्या फायदा इस आस्था का? नहीं, आस्था का फायदा, आस्था कुछ मंदिर बनना चाहिए केवल आंदोलन के लिए? आस्था? अरे आस्था तो ये बड़ा भारी शब्द है। नहीं, आस्था चाहते हैं कि मंदिर बने, उम्मीद है उनकी। हाँ, किसकी? राम भक्तों की। राम भक्तों की है, पूरे देश के वासियों की है, और देश के बाहर भी जो हिंदू समाज रहता है उसकी भी आस्था है। और होगा, धैर्य रखिए, जब चालू होगा तो चुप नहीं होगा, आपको बताएंगे। पर अभी कोई तैयारी नहीं चल रही? अभी नहीं। क्यों नहीं? अभी है नहीं, अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बातचीत से कोई समस्या का समाधान हो जाए, अदालत से कोई समस्या का समाधान आ जाए, जल्दी आ जाए तो अच्छा है। पर जल्द आता तो नजर नहीं आ रहा है? हाँ, जल्द हमको तो नजर नहीं आ रहा है। फिर देखेंगे ना, फिर भी प्रतीक्षा करना चाहिए। ज्वालामुखी की आप बात कर रहे थे 2015 में जी, ज्वालामुखी अभी मतलब शांत है? हाँ, समय लगेगा ना, उसमें कई रेर बैठे हुए हैं तो उनको जब तक साफ नहीं होगा तो मुखी कैसे निकलेगी। पर निराशा नहीं इस बात से कि मोदी जी की सरकार बनी और किसी भी तरीके से उन्होंने अर्जेंसी नहीं दिखाई इस आंदोलन को लेके, इस मूवमेंट को लेके? नहीं, इस मूवमेंट के लिए कहीं उनका इस रूप में कोई आंदोलन का रूप चलेगा, बातचीत चलेगी, अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब होगा तो बताएंगे, हमने कहा ना चुप नहीं होगा, अब तो मीडिया बहुत सजग है, आपने कहा कि बहुत चैनल हो गए हैं। आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि लोग सोचे कि राम किनारे हो गए और काम चलता रहे। राम तो राम किनारे हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोशिश तो ऐसी ही चल रही कि डेवलपमेंट पे फोकस करो, हो ही नहीं, किनारे कर दो, वो हो ही नहीं सकती, हो ही गई है। फिर तो अराजकता हो जाएगी। राम अगर किनारे हो जाएंगे तो सूप नखा का
हाल कौन करेगा? मैं भगवान राम के किनारे होने की बात नहीं कर रहा, मैं राम मंदिर को बनाने के काम को किनारे करने की बात कर रहा हूँ। मैंने आपने आपने कहा राम किनारे हो जाएंगे, आप उसको घुमा रहे क्यों, क्या जवाब नहीं देना चाह रहे? नहीं नहीं मैं नहीं घुमा रहा हूँ, क्योंकि वास्तविकता में हकीकत यह है कि पिछले दो मैंने आपके मुख से ही निकला राम के किनारे की बात कही। आप ही ने कहा ना कि राम किनारे होकर काम चलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता, आप ही ने कहा। मैं उसी को उठाते हुए कह रहा हूँ। हाँ, तो राम को कोई किनारे कर नहीं सकता, हम चाहेंगे भी नहीं राम किनारे हो। नहीं, लेकिन राम मंदिर बनने के काम को किनारे किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, वो भी नहीं, वो तो हो ही गया है। वो तो हो गया ना, वो तो हो ही गया, मैं भी कह रहा हूँ वही हो गया, आप भी मान रहे हैं कि हो गया। हाँ, वो आप मान रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा निराशा है, मलाल है कहीं ना कहीं इस बात। हमको कोई मलाल नहीं, इसका भी मलाल नहीं, तो किस बात? इसलिए मलाल नहीं है, शांत बैठे। अगर लक्ष्मण को कोई मूर्छा आ गई तो राम जी को अगर ये मान लेते कि अब क्या करेंगे, अब तो रावण हावी है, अब तो हार हो जाएगी, सीता जी गई, राम जी वापस चले गए, तो फिर तो अजीब मामला हो जाता। तो है ना, आप मानते हैं कि रावण हावी है आज की तारीख? कौन आप? नहीं नहीं, रावण हावी नहीं है ना, नहीं थोड़ी देर के लिए क्षणिक कोई मूर्छा आई है तो उस मूर्छा को कोई संजीवनी बूटी देना पड़ेगी, देंगे समय रहते हुए। कौन लेके चलेगा संजीवनी? अब वो देखिए, समाज चलेगा, राम भक्त चलेंगे। आंदोलन आंदोलन सत्ता के साथ नहीं चलता है, और ये हो भी नहीं सकता।